हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे 100+ एमसीक्यू इन वन क्लास, यूनिट 4-5 में लॉ टॉट के एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यदि आपको थ्योरी के सेशन देखने होंगे तो इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा, यदि आपको एमसीक्यू सेशन देखने होंगे तो इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा। एंड ये रहा हमारा कोड, ये रहा हमारा टेलीग्राम ग्रुप। यदि आप हमारे ग्रुप के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, जल्दी से लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर देना। फर्स्ट क्वेश्चन है, विनफील्ड डिफाइन टॉट एस। ऑप्शन ए है, a civil wrong for which the remedy is a common law action for unliquidated damages and which is not exclusively the breach of trust or other merely equitable obligation. And second option है आपका, tortious liability arise तब होती है जहां पर breach of duty होता है primarily, जो कि fixed by the law है, and toward the person generally its violation is redressable by an action for unliquidated damages. And third option था, an infringement of a legal right, infringement of a right in rem of a private individual giving a right of compensation at the suit of injured party. ये option number D, none of the above. Then right answer है इसका option number B is the right answer. ठीक है, tortious liability ये define करा था Winfield ने। ठीक है, next question का right answer बताना है, tort is redressable by an action. Option A है, for restoration of original position. Option B है for unliquidated damages. Option C है for liquidated damages. Option D है all of the above. जल्दी से राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप जानते हैं कि टॉट में आपका अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होती है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का क्या मतलब होता है, जो कि प्री डिफाइंड नहीं होती है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में हम बात करें तो उसमें लिक्विडेटेड डैमेजेस होती है, यानी कि कभी किसी पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच कर भी दी तो उसको पता है कि मेरे को कितना कंपनसेशन या कितने डैमेजेस जो है वो पे करना पड़ेगा। लेकिन जब हम लॉ ऑफ टॉट की बात करते हैं तो वहां पर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होती है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, द टॉट ऑफ डिसीट ऑल्स इट्स ओरिजिन टू। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना कौन से केस में लॉ ऑफ डिसीट की बात करी गई थी। ठीक है, या ओरिजिन कहाँ से हुआ, सॉरी टॉट ऑफ डिसीट का। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है पासले वर्सेस फ्रीमैन 1789-3, और फिर है आपका लुमली वर्सेस के 1853, एंड रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, या विंसमोर वर्सेस ग्रीन बैंक। देन राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दिया होगा उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द टॉट ऑफ इंड्यूसमेंट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फाइंड इट्स रीजन इन। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से राइट आंसर करना। ठीक है, टॉट ऑफ इंड्यूसमेंट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये आपको राइट आंसर बताना था। जल्दी से राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑन इन। ठीक है, डॉनकी वर्सेस स्टीमसन, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, लुमली वर्सेस के, या चैंपमैन वर्सेस पिकर्स। ठीक है, पिकर्स गिल। ठीक है, राइट आंसर बताना है। तो सब बहुत अच्छे से जानते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कंसेप्ट जो है आपका रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में आया था। ठीक है, सॉरी, ठीक है, आंसर पहले ही दिख गया। लेकिन द टॉट इज क्या है, वायलेशन ऑफ राइट इन पर्सोनम है, राइट इन रैम है, राइट इन बोथ राइट इन पर्सोनम एंड राइट इन रैम है, नाइदर द राइट इन पर्सोनम नॉर द राइट इन रैम। देन राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, राइट इन रैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, मैक्सिम इंजरिया साइन डामिनो मेन। ऑप्शन नंबर ए है, वायलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट एनी डैमेज, वायलेशन ऑफ लॉफुल रिक्वेस्ट विद डैमेज, या डैमेज विदाउट वायलेशन ऑफ लीगल राइट, या ऑप्शन नंबर डी है, नो डैमेज एंड ब्रीच ऑफ नो ब्रीच ऑफ लीगल राइट। जल्दी से राइट आंसर बताना क्वेश्चन नंबर 7 का, मैक्सिम इंजरिया साइन डामिनो मेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, वायलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट एनी डैमेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, मैलिस इन लॉ मीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए,
A wrongful act was done intentionally, but without just and just cause and excuse. Okay. Option B here, wrongful act was done intentionally with just cause and excuse. Option C, wrongful act was done intentionally with a good motive. Option D hai, wrongful act was done intentionally with evil motive. Then malice in law ka kya meaning hai? Jaldi se right answer batana. ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर वन, एक गलत कार्य जानबूझकर किया गया था लेकिन बिना किसी उचित कारण या बहाने के. ठीक है, रॉन्गफुल एक्ट वॉज डन इंटेंशनली बट विदाउट जस्ट एक्सक्यूज कॉज एन एक्सक्यूज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉट फिट इंजरिया इज नॉट अवेलेबल. ठीक है, डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉट फिट इंजरिया, जल्दी से बताना है कि आप जो है वो कब वॉलंटरी नॉट फिट इंजरिया का बचाव या आपके पास उपलब्ध नहीं, अवेलेबल नहीं. ऑप्शन नंबर ए है, इफ द कंसेंट इज ऑब्टेन बाय कंपल्शन, यदि कंसेंट जो है वो कंपल्शन से ऑब्टेन करी जाए, या कंसेंट आपकी फ्रॉड के से ऑब्टेन करी जाए, या इफ द कंसेंट इज ऑब्टेन अंडर मिस्टेकन, या ऑल ऑफ द अबव. जल्दी से राइट आंसर बताना. देन राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी. तो इन सभी सर्कमस्टांसेस में यदि आपने कंसेंट ली है तो आप वॉलंटरी नॉट फिट इंजरिया का डिफेंस जो है वो नहीं ले सकते. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताने के, इनएविटेबल एक्सीडेंट मीन, ऑप्शन नंबर ए एक्ट ऑफ गॉड, ऑप्शन नंबर बी एन अनएक्सपेक्टेड इंजरी विच कुड हैव बीन फोरसीन और एंड अवॉइडेड, या ऑप्शन नंबर सी अनफोरसीन डैमेज which could not have been expected and avoided. ये ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी. जल्दी से राइट आंसर बताएंगे. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अनफोर्सीन डैमेज which could not have been expected or avoided. कि ऐसी अनफोर्सीन डैमेज होगी जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी और जिसे टाला नहीं जा सकता था, उसे हम इनएविटेबल एक्सीडेंट कहते हैं. ठीक है, चलो एक्ट ऑफ स्टेट ऑप्शन ए है. ठीक है, ऑप्शन ए है कैन नॉट बिटवीन अ सॉवरन, चलो ऑप्शन ए है कैन नॉट बी बिटवीन अ सॉवरन एंड सब्जेक्ट टू द अनदर स्टेट, या ऑप्शन नंबर बी है कैन नॉट बी बिटवीन अ रूल एंड हिज सब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी है नाइदर ए और नॉट बी. राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. ठीक है, कैन नॉट बी बिटवीन अ सॉवरन एंड द सब्जेक्ट ऑफ अनदर स्टेट. नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, द ज्वाइंट लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ ज्वाइंट टॉर्ट फीजर्स इज, ऑप्शन नंबर ए ओनली ज्वाइंट, ऑप्शन नंबर बी ओनली सेवरल, ज्वाइंट इन सेवरल, या नाइदर ज्वाइंट इन नॉट सेवरल. लाइबिलिटी ऑफ टॉर्ट फीजर्स, ठीक है, जल्दी से राइट आंसर बताना, ऑप्शन नंबर सी ज्वाइंट इन सेवरल बोथ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, इन द केस ऑफ इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है एक्शन अगेंस्ट वन बार द एक्शन अगेंस्ट अदर, एक्शन अगेंस्ट सम बार एंड एक्शन अगेंस्ट द अनदर, ऑप्शन नंबर सी एक्शन अगेंस्ट वन डज नॉट बार एक्शन अगेंस्ट द अनदर, ये ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी. ठीक है, जल्दी से राइट आंसर बताना, स्वतंत्र अपकृत सुविधाओं के मामले में, ऑप्शन नंबर बी एक्शन अगेंस्ट सम बार द एक्शन अगेंस्ट द अदर. ठीक है, चलो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, वाइकेरियस लाइबिलिटी कमेंसरेट विद दैट ऑफ इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर्स, ज्वाइंट फॉर टॉर्ट फीजर्स, या कंपोजिट टॉर्ट फीजर्स, या ऑप्शन नंबर डी बोथ एंड सी. जल्दी से राइट आंसर बताना है, vicarious liability commensurate with that of option number b joint tort feasors. ठीक है, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है. फॉर द वाइकेरियस लाइबिलिटी अ सर्वेंट इज अ पर्सन. ठीक है, वाइकेरियस लाइबिलिटी अ सर्वेंट, एक नौकर एक व्यक्ति है. ऑन होम द मास्टर हैज कमांड, जिसको मास्टर कमांड करता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना और कैसे करना है. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑन होम द मास्टर हैज कमांडेड और व्हाट टू डू. ठीक है, कि जिस पर स्वामी का आदेश जो है कि उसे क्या करना है, या होम द मास्टर कैन हायर और फायर, जिसे जो है वो मास्टर हायर करता है और फायर करता है, मतलब नौकरी से पर ज्वाइन करता है और निकालता है. जल्दी से राइट आंसर बताएंगे. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि फर्स्ट एंड सी दोनों ही. ठीक है, अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे. वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ मास्टर रेज. ठीक है, वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ मास्टर रेज, की स्वामी की वाइकेरियस लाइबिलिटी उत्पन्न होती कब? इन केस ऑफ थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी बाय द थर्ड पर्सन वेल्ड टू द मास्टर. ठीक है, या किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा संपत्ति की चोरी के मामले में मालिक को जमानत दी जा सकती है, या इन केस ऑफ थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ थर्ड पर्सन नॉट वेल्ड टू द मास्टर. ऑप्शन नंबर सी, नाइदर ए और नॉर बी, एज द एक्ट ऑफ कमिटिंग थेफ्ट इज नॉट कवर. ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, एज इट मिस्टेक नो डिफरेंस वेदर गुड्स आर वेल्ड और नॉट वेल्ड टू द मास्टर. जल्दी से राइट आंसर बताएंगे. वाइकेरियस लाइबिलिटी मास्टर अरेज. ऑप्शन नंबर बी, इन केस थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द थर्ड पर्सन नॉट वेल्ड द मास्टर, किसी तीसरे व्यक्ति की संपत्ति की चोरी के मामले में मालिक को जमानत जो है वो नहीं दी जा सकती. क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताना है. द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट में ऑप्शन नंबर ए है, इफ द रॉन्ग डूअर सर्वेंट एंड द पर्सन इंजर्ड आर फॉलोड सर्वेंट, द मास्टर इज नॉट लाइबल. ठीक है, यदि गलत काम करने वाला नौकर और घायल व्यक्ति साथ ही नौकर हैं तो मालिक जो है वो उत्तरदायी नहीं. या इफ द रॉन्ग डोर सर्वेंट, ठीक है, यदि गलत काम करने वाला नौकर या घायल व्यक्ति साथ ही नौकर है तो मालिक उत्तरदायी है. और थर्ड ऑप्शन बोला, इफ द रॉन्ग डोर सर्वेंट एंड पर्सन इंजर्ड आर नॉट फेलो सर्वेंट, द मास्टर इज नॉट लाइबल. Then option number D, none of the above. Then right answer is option number A, if the wrongdoer servant and the person injured are fellow servant, the master is not liable. ठीक है? Next question है, in India, the scope of doctrine of common employment was restricted by. ऑप्शन ए है द इंडियन एम्प्लॉयर लाइबिलिटी एक्ट 1938, ऑप्शन बी है द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, या राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. ठीक है, द इंडियन एम्प्लॉयर लाइबिलिटी एक्ट 1938. नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है. रिमोटनेस ऑफ डैमेज इज डिटरमाइंड बाय. ऑप्शन नंबर ए है टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस, ऑप्शन बी है टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट, या ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव. जल्दी से राइट आंसर बताना. रिमोटनेस ऑफ डैमेज इज डिटरमाइंड बाय ऑप्शन नंबर बी, द टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट इन डिटरमाइनिंग द रिमोटनेस ऑफ डैमेज वॉज फर्स्ट अप्लाइड एट. जल्दी से राइट आंसर बताना है कि जो हमारा टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट था वो डिटरमाइन किया गया था, डिटरमाइन करता जो कि द रिमोटनेस ऑफ डैमेज को फर्स्ट टाइम अप्लाई करा गया था कौन से केस में. देन राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है. फॉर द फॉल्स इम्प्रिजनमेंट देयर शुड बी टोटल रिस्ट्रेन ऑन द लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, partial restraint on the liberty of person, means of escape, या option number D, all of the above. Right answer बताना है. The false imprisonment there should be. Right answer is का option number A is the right answer. ठीक है, total restraint on liberty of a person. ठीक है, next question का right answer बताना है. The word tort has been derived from word Latin word wrong, tortum, टिकट टॉटम या सिविल.
जल्दी से राइट आंसर बताना कि टॉट शब्द जो है वो लेटिन के कौन से वर्ड से लिया गया है। जल्दी से राइट आंसर बताएं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, टॉटम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉट क्या है? एक एक्सीडेंट है, सिविल रॉन्ग है, क्रिमिनल रॉन्ग है या मर्डर है? तो टॉट क्या है आपका? सिविल रॉन्ग। ठीक है, और बहुत इजी इजी क्वेश्चन है आज के सेशन में। टॉट लॉ इज नॉट कोडिफाइड, सभी जानते हैं कि नॉट कोडिफाइड है। यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टॉट द लॉस कॉज डज नॉट हैव बीन मॉनेटरी। ठीक है, टॉट में होने वाले नुकसान का मौद्रिक होना जरूरी नहीं, पर राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। यस, ठीक है, क्योंकि उसका लीगल राइट वायलेट होना चाहिए, मॉनेटरी राइट वायलेट हुआ है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है। ए स्टॉप बी, ए बी को चुनाव डालने से रोकता है, तो यहाँ ए बी के विरुद्ध कार्यवाही में सफल होगा। ठीक है, ए सक्सीड इन एन एक्शन अगेंस्ट बी। ठीक है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर यस, क्योंकि किसी को वोट डालने से आप रोक रहे हो, तो आपके खिलाफ जो भी एक्शन लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉट आर रिड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर लिक्विडेटेड डैमेजेस, एग्जेम्पलरी डैमेजेस, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस या नन ऑफ द अबव। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बहुत अच्छे से जानते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। ठीक है, कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जो है वो उसे पे करनी पड़ती हैं, और जैसे कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड होती है जो कि प्री डिफाइंड होती है, प्री डिटरमाइन होती है, जैसे ही टॉट में अनलिक्विडेटेड होती है जो कि प्री डिटरमाइन नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, द रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन मस्ट रिजल्ट इन। ऑप्शन नंबर ए लीगल डैमेज, ऑप्शन बी एनी डैमेज, ऑप्शन सी एक्सीडेंट, ऑप्शन डी अटैक। ठीक है, द रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन मस्ट रिजल्ट इन लीगल डैमेज, एनी डैमेज, एक्सीडेंट या अटैक। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए लीगल डैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, इफ रामा इनवाइट हिज फ्रेंड, यदि रामा जो है वो अपनी सहेली प्रिया को रात्रि भोज डिनर के लिए जो है वो इनवाइट करती है, लेकिन प्रिया नहीं आती है, तो क्या हम इसे कहेंगे कि उसने सिविल रॉन्ग किया है? यस, नो या ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नो। ठीक है, चल नेक्स्ट आपका है, इफ रमेश सीक अशोक ड्रॉनिंग द डिस्पाइट ऑफ द के ऑफ द कॉल फॉर हेल्प डज नॉट डू एनीथिंग, यदि रमेश अशोक को डूबते हुए देखता है और उसकी मदद के लिए पुकारने के बावजूद कुछ नहीं करता, तो यहाँ पर वो उत्तरदायी है। यस, नो या ऑल ऑफ द अबव या नन। ठीक है, जल्दी से राइट आंसर बताओ, क्या वो उत्तरदायी है या नहीं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। ठीक है, थोड़ा सा दो चार क्वेश्चन ऐसे होंगे, फिर आपको फिर से कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो रानी गिव मनी टू द बैगर, रानी प्रतिदिन सड़क पर एक भिखारी को पैसा देती है, वह अचानक रुक जाती है। ठीक है, यानी कि ही सडनली स्टॉप, देन ही ठीक है शी सॉरी शी सडनली स्टॉप, देन विल शी इज विल शी बी लाइबल, क्या वो उत्तरदायी है होगी? यस, नो। ठीक है, द राइट आंसर इज का ऑप्शन नंबर बी, नो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, व्हाट काइंड ऑफ रॉन्ग आर नॉट टॉट, क्या कौन-कौन से काइंड ऑफ टॉट जो है वो आपके टॉट नहीं होते, सोशल मॉरल और रिलीजियस या ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से राइट आंसर बताना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये सारे ही जो है वो टॉट के टाइप नहीं। ठीक है, चलो इंजरिया साइन डामनम मीन अ लीगल इंजरी विदाउट डैमेज, या ऑप्शन नंबर बी डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, नो इंजरी या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से राइट आंसर बताना, इंजरिया साइन डामनम मीन मीन लीगल इंजरी हुई है विदाउट डैमेज। ठीक है, और ये एक्शनेबल होता है, आपको आप कंपनसेशन इसमें ले सकते हो। ठीक है, डैमनम साइन इंजरिया, डैमनम साइन इंजरिया का क्या मतलब होता है? लीगल इंजरी विदाउट डैमेज, डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, नो इंजरी, ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से राइट आंसर बताना है।
राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, और इसमें आप जो है वो क्लेम नहीं कर सकते, क्लेम नहीं कर सकते, कर भी देंगे तो आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको डैमेज हुआ है, आपकी कोई लीगल इंजरी आपको नहीं हुई, लीगल राइट की वायलेशन आपको नहीं हुई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टॉट डैश इज कंपनसेबल। ठीक है, इंजरिया साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजरिया, एनी इंजरी या एनी डैमेज। ठीक है, अभी अभी हमने डिस्कस किया इन टॉट में, ठीक है, डैश इज कंपनसेबल, इंजरिया साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजरिया, एनी इंजरी या एनी डैमेज, देन राइट आंसर है इंजरिया साइन डैमनम। ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबी जस्ट एवी रेमेडियम मी, ऑप्शन नंबर ए लीगल इंजरी विदाउट डैमेज, ऑप्शन बी डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, या वेयर देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर बताना, उबी जस्ट इवी रेमेडियम का क्या मतलब होता है, उबी जस्ट इवी रेमेडियम, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वेयर देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी। ठीक है, जहां पर आपके पास अधिकार होता है वहां आपको रेमेडी भी मिलती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल डिफेंस। ठीक है, आपको बताना है कि कौन कौन सा कौन सा इसमें जनरल डिफेंस नहीं है। वॉलेंटाइन नॉट फिट इंजरिया, ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड, सेंटी नॉट फिट फिट इंजरिया, या प्लेंटिफ द रॉन्ग, देन राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, वॉलेंटाइन नॉट फिट इंजरिया, ये जानते हुए भी कि मेरे को चोट आ जा सकती है लेकिन फिर भी मैंने क्या दिया, अपनी कंसेंट दी, तो उस पर्सन ने अपनी कंसेंट दी, तो बाद में वो पर्सन केस फाइल नहीं कर सकता, ये भी आपका जनरल डिफेंस है। एक्ट ऑफ गॉड भी एक जनरल डिफेंस है, कि प्लेंटिफ, ये जो प्लेंटिफ साहब मेरे पर केस कर रहे हैं ना, इनकी खुद की गलती है, ये भी आपका जनरल डिफेंस है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलेंटाइन नॉट फिट इंजरिया मी, नॉलेज ऑफ इंजरी, वॉलेंटरी एक्सेप्ट द इंजरी, या ऑप्शन नंबर सी एक्ट ऑफ गॉड है, प्लेंटिफ द रॉन्ग, अभी अभी हमने डिस्कस किया, जल्दी से राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वॉलेंटरी, वॉलेंटरली एक्सेप्टेंस ऑफ इंजरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, सेंटी नॉट फिट इंजरी, ठीक है, नॉलेज ऑफ इंजरी, ऑप्शन नंबर बी वॉलेंटरी एक्सेप्टेड ऑफ इंजरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एक्ट ऑफ गॉड, ऑप्शन नंबर डी प्लेंटिफ द रॉन्ग गॉड, सेंटी नॉट नॉन फिट इंजरी, ऑप्शन नंबर ए नॉलेज ऑफ इंजरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत सिंपल सा है, चलो इसको डिस्कस नहीं करते हैं, इसको चलो देख लेते हैं इसको, ऑप्शन नंबर सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए एक डॉक्टर बी को ऑपरेशन के लिए अपनी सहमति देता है। ठीक है, ए क्या करता है, बी को, बी एक डॉक्टर है, उसको अपनी कंसेंट देता है ऑपरेशन के लिए, बाद में उसने सर्जरी करने के लिए मुकदमा दायर किया, ए बी के विरुद्ध जो है वो कार्यवाही में सफल होगा या नहीं होगा, राइट आंसर बताना, ऑप्शन नंबर बी नो, क्योंकि उसने खुद से कंसेंट दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम वॉन्ट टू वॉच अ क्रिकेट मैच, ठीक है, श्याम जो है वो क्रिकेट मैच देखने के लिए आता है, ठीक है, और उसको गेंद लग जाती है और वो जो है वो घायल हो जाता है, क्या वॉलेंटाइन नॉट फिट इंजरी या यहाँ पर वो डिफेंस यूज कर सकता है, ठीक है, मतलब दूसरी पार्टी जिस पर उसने केस फाइल किया, क्या वो डिफेंस ले सकती है वॉलेंटाइन नॉट फिट इंजरी का, यस, क्योंकि ये हमने वॉलेंटाइन नॉट फिट इंजरी का एग्जाम्पल जब डिस्कस किया था, इस इलस्ट्रेशन उसी में डिस्कस किया था वॉलेंटाइन नॉट फिट इंजरी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, राम ने देखा कि दो घोड़े भाग रहे हैं और यातायात में बहुत असुविधा पैदा कर रहे हैं, उसने घोड़ों को रोकने की कोशिश की लेकिन इस दौरान उसे चोट लग गई, वह घोड़ों के मालिक से हट जाने का दावा कर सकता है क्या, या यस या नो, क्या क्या उसे जो है वो डैमेजेस दी, क्या वो एबल है कि वो क्लेम कर सकता है डैमेजेस फॉर द ऑनर ऑफ हॉर्स, यस नो मे बी या नॉट बी नॉट नॉट दी अब। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वो क्लेम कर सकता है, ठीक है, और शायद वाली बात तो हमारे लॉ में होती नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, इन केस वेयर द प्लेंटिफ इज द रॉन्ग डूअर, द डिफेंडेंट हैज एस्टैब्लिश्ड दैट द लॉस और हार्म सफर ड्यू टू
है, सफर इज ड्यू टू ऑप्शन इलीगल एक्ट, इलीगल ओमिशन, ऑल ऑफ द अबव ऑफ द प्लेटर। जल्दी से राइट आंसर बताना। ऐसे मामले जहां पर वादी अपराधी है और प्रतिवादी को यह स्थापित करना होगा कि जो उसका नुकसान हुआ है, ठीक है, या क्षति हुई है, वो वादी के इलीगल एक्ट से हुई है, इलीगल ओमिशन से हुई है, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, इलीगल ओमिशन से हुई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। इन केस वेयर द प्लेंटिफ इज द रॉन्ग डूअर, कैन द हार्म कॉज बी एक्सेसिव इन नेचर। ठीक है, ऐसे मामले जहां वादी ही अपराधी है और क्या होने वाली क्षति प्रकृति में अत्यधिक हो सकती है। यस नो ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। जल्दी से राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यस। ठीक है, सॉरी नो। ठीक है, तो इन केस ऐसे मामले जहां पर वादी ही अपराधी, यानी कि प्लेंटिफ ही खुद क्या है, रॉन्ग डूअर, देन क्या होने वाली जो क्षति है वो प्रगति में अत्यधिक हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर बी नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ द उषा हैड और नोटिस सेइंग दैट शी हैज सक्सेसर ऑटोमेटेड वाटर स्प्रिकल्स इन हर गार्डन, ठीक है, एंड डिस्पाइट सीइंग द हर्ष एंटर हर गार्डन। ठीक है, यदि उषा के पास एक नोटिस था जिसमें कहा गया था कि उसके बगीचे में सेंसर स्वचालित पानी के छिड़काव है, और यह देखने के बावजूद हर्ष उसके बगीचे में प्रवेश करता है, क्या उषा गलत काम करने वाले वादी के बचाव का दावा कर सकती है? क्या उषा क्लेम कर सकती है डिफेंस ऑफ द प्लेंटिफ रॉन्गडोर, यस या नो? ऑप्शन नंबर यस। ठीक है, ए। इन केस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट द डिफेंस हैज टू प्रूव दैट। ठीक है, इनएविटेबल एक्सीडेंट के लिए जो है वो डिफेंडेंट को प्रूव करना पड़ेगा कि उसकी इंटेंशन नहीं थी इंजर करने की, प्लेंटिफ को कुड अवॉइड द इंजरी बाय टेकिंग रीजनेबल केयर, या ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। जल्दी से राइट आंसर बताना है, एबीसीडी में से। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कि उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसकी तो ना तो इंटेंशन थी और उसने वो अवॉइड करना चाहता था, कुड अवॉइड द इंजरी बाय टेकिंग रीजनेबल केयर उसने करा, जिसके कारण वो अवॉइड कर सका। विज वेजर मीन मेजर वाइस, ठीक है, वाइसेस या मेजर इंजरी या एक्ट ऑफ गॉड या नन ऑफ द। जल्दी से राइट आंसर बता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल शुड बी फुलफिल्ड इन ऑर्डर टू प्लीज द डिफेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड। ऑप्शन नंबर ए है, देयर मस्ट बी वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्स, द ऑकरेंस मस्ट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड नॉट द वन विच कुड हैव बीन पार्टिसिपेट एंटिसिपेटेड, या ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इट मस्ट बी बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन काइंड, या ऑप्शन नंबर डी, कि ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, जल्दी से राइट आंसर बताना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो देयर मस्ट बी वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्स में हुआ, ठीक है, ऑकरेंस मस्ट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी और नॉट वन विच हैव बीन एंटिसिपेटेड, जिसको नहीं किया जा सकता, पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। दूसरा बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल था, या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ये सब आपका एक्ट ऑफ गॉड में आते हैं। फिर है कि वन कैन प्रोटेक्ट वन पर्सन और प्रॉपर्टी बाय यूजिंग रीजनेबल फोर्स, दिस इज मर्डर। ऑप्शन बी प्राइवेट डिफेंस, ऑप्शन सी एक्ट ऑफ गॉड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जल्दी से राइट आंसर बताना। उचित बल का प्रयोग आ करके कोई अपने व्यक्ति या संपत्ति की रक्षा कर सकता है, यह क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस कैन बी एक्सरसाइज व्हेन देयर इज एमिनेंट थ्रेट टू पर्सनल सेफ्टी। ऑप्शन नंबर बी एमिनेंट थ्रेट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन ए बी और नन ऑफ दी। जल्दी से राइट आंसर बताएं।
Right of private defense can be exercised when there is option number C. ठीक है, imminent threat to personal safety, imminent threat to property. Next question का right answer बताएंगे. The principal rule of making other liability for the wrongful conduct of the other is called voluntary not fit injury or joint liability, vicarious liability, plaintiff the wrong one. जल्दी से राइट आंसर बताना. This principle rule of making other liability for the wrongful conduct of the other is called option number C, vicarious liability. ठीक है, जहां पर एक पर्सन दूसरे के एक्ट के लिए लाइबल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, qui facit per alim, facit per semi. Knowledge of injury, option B, who does an act through another is deemed in law to do it himself. Option number C, who does an act with through another is deemed in law to do himself. Option number D, plaintiff the wrongdoer. Right answer is option number B. Who does an act? जो किसी दूसरे के माध्यम से कार्य करता है उसे कानून में स्वयं एक ऐसा करने वाला जो है वो समझा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी. ऑप्शन नंबर ए है, रॉन्ग शुड बी कमिटेड बाय अ पर्सन वर्किंग इन द कैपेसिटी ऑफ सर्वेंट. ऑप्शन नंबर बी, द टॉर्ट शुड हैव बीन कमिटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ऑप्शन सी, ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव. जल्दी से राइट आंसर बताना है. एसेंशियल एलिमेंट फॉर द वाइकेरियस लाइबिलिटी. राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. ठीक है, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, वाइकेरियस लाइबिलिटी मे अराइज इन द फॉलोइंग रिलेशनशिप. ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, मास्टर एंड सर्वेंट, ऑनर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, गार्डियन एंड वार्ड, या ऑल ऑफ द अबव. वाइकेरियस लाइबिलिटी जो है वो मे अराइज इन द फॉलोइंग रिलेशनशिप. ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से राइट आंसर बताना. ठीक है, वाइकेरियस लाइबिलिटी arise in the following relationship. Option number, ठीक है, D, vicarious liability, guardian and ward, ठीक है, और owner or independent contractor, master and servant. चलो next question का right answer बताना. If the employee of the bank take a check from a neighbor who is a customer of the bank and misappropriate it, will the bank be held liable? क्या बैंक यहाँ पर उत्तरदायी होगा? यदि बैंक का कर्मचारी किसी पड़ोसी से, जो बैंक का क्या है, कस्टमर, ठीक है, चेक लेता है और उसका दुरुपयोग करता है, तो यहाँ पर बैंक उत्तरदायी है. ऑप्शन नंबर बी, नो, बैंक उत्तरदायी नहीं है, वो पर्सन उत्तरदायी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु एक्ट एंड डू वर्क अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ सम अदर पर्सन, ही इज सर्वेंट, मास्टर, कॉन्ट्रैक्टर, या नन ऑफ दी. जल्दी से राइट आंसर बताना. ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के नियंत्रण और सुपरविजन के तहत जो है वो कार्य करता है. ऑप्शन नंबर ए, सर्वेंट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्डेंट सुपीरियर मी, लेट द प्रिंसिपल इज लाइबल, द सर्वेंट इज द रॉन्ग डूअर, या ऑप्शन नंबर सी, मास्टर इज सुपीरियर, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव. जल्दी से राइट आंसर बताना. ऑप्शन नंबर ए, लेट द प्रिंसिपल इज लाइबल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, द लाइबिलिटी ऑफ अ मास्टर इज नॉट लिमिटेड ओनली टू द एक्ट, ठीक है, व्हिच इज एक्सप्रेसली, व्हिच ही एक्सप्रेसली ऑथराइज्ड टू बी डन, व्हाट ही इज आल्सो लाइबल फॉर टॉर्ट कमिटेड बाय हिज सर्वेंट ऑन हिज. ठीक है, एक मालिक का दायित्व केवल उन कार्यों तक सीमित नहीं है जिन्हें वह स्पष्ट रूप से करने के लिए अधिकृत करता है, बल्कि अपने वह अपने नौकर द्वारा अपनी मर्जी से किए गए अपकृत
के लिए भी उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कि इफ अ सर्वेंट स्टील गुड्स इंटरेस्टेड टू हिज मास्टर विल द मास्टर इज लेबल टू द प्लेंटिफ यस नो ऑल ऑफ द अबव नन ऑफ द अबव। यदि कोई नौकर अपने मालिक को सौंपे गए सामान को चुरा लेता है और मालिक प्रति मालिकवादी के प्रति उत्तरदायी होगा। ऑप्शन नंबर ए यस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, अ सर्वेंट एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ हिज मास्टर मेकिंग अ मिस्टेक कॉजिंग लॉस टू द प्लेंटिफ विल द मास्टर विल बी लाइबल फॉर द सेम। ठीक है, एक नौकर अपने मालिक की ओर से काम करते हुए गलती करता है और जिससे वादी को नुकसान होता है, क्या मालिक इसके लिए उत्तरदायी होगा? यस नो ऑल ऑफ द अबव नन ऑफ द अबव। जल्दी से राइट आंसर बताना। ऑप्शन नंबर यस। ठीक है, एक सर्वेंट एक्ट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द मास्टर मेकिंग अ मिस्टेक कॉज द लॉस टू द प्लेंटिफ। ठीक है, विल द मास्टर विल बी लाइव फॉर द लाइबल फॉर द सेम। देन ऑप्शन नंबर ए यस। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना, इफ द सर्वेंट नेग्लिजेंटली डेलीगेट हिज अथॉरिटी एंड अलाउ इट टू बी परफॉर्म बाय अनदर पर्सन विल द मास्टर बी लाइबल फॉर सच नेग्लिजेंस ऑफ द सर्वेंट। ठीक है, यदि कोई नौकर लापरवाही से अधिकार अपना अधिकार सौंपता है और इसे अन्य व्यक्ति को निष्पादित करने की अनुमति देता है, तो क्या स्वामी नौकर की ऐसी लापरवाही के लिए उत्तरदायी होगा? ऑप्शन नंबर ए यस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, इफ द ड्राइवर गिव लिफ्ट टू थर्ड पार्टी, यदि कोई ड्राइवर जो है वो रास्ते पे चल रहा होता थर्ड पार्टी को क्या देता है? लिफ्ट देता है, जो मास्टर के द्वारा अधिकृत नहीं है किसी तीसरे पक्ष को जो है वो लिफ्ट देता है, तो मास्टर यहाँ पर क्या लाइबल होगा? वैकेरियस लाइबिलिटी होगी या नहीं होगा, ज्वाइंट लाइबल होगा या नॉन ऑफ दी? जल्दी से राइट आंसर बताना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नॉट लाइबल। ठीक है, क्योंकि मास्टर को तो उसका नॉलेज ही नहीं है, मास्टर के बेनिफिट के लिए भी नहीं वो कर रहा है ना, नॉट लाइबल। नेक्स्ट है, इफ द सर्वेंट डज द एक्ट इन डिफेंस ऑफ द प्रोहिबिशन, ठीक है, डी फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस ऑफ द प्रोहिबिशन। ठीक है, यहाँ पर बोला यदि नौकर निषेध के उल्लंघन में कार्य करता है तो यहाँ पर स्वामी उत्तरदायी होगा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से, जल्दी से राइट आंसर करेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, एक बस के मालिक ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि यदि कि अन्य वाहनों से, ठीक है, ओवरटेक ना करें। ठीक है, यहाँ पर बोला कि ऑनर ऑफ बस ने उन्हें एक्सप्रेसली इंस्ट्रक्शन दिया था कि आपको रेस नहीं करनी, ओवरटेकिंग नहीं करनी है अदर व्हीकल के साथ। द बस ड्राइवर डिफ्लाइंग द इंस्ट्रक्शन, बस चालक ने निर्देश की अवहेलना करते हुए दूसरी बस से ओवरटेक किया और इस कार्य को, इस प्रोसेस में उसने एक्सीडेंट कर दिया, क्या मालिक को उत्तरदायी ठहराया जाएगा? क्या ऑनर जो है वो लाइबल होगा? Yes, no, all of the above, yeah, none of the above. Option number E is yes. ठीक है, कि will the owner be held liable? ठीक है, तो owner जो है वो owner की liability साथ में बनती ही बनती, क्योंकि वो due course of business में वो करता है। Next question है आपका, generally will the employer be liable for the tort committed by an independent contracted employed by him? ऑप्शन नंबर ए यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। जल्दी से राइट आंसर बताएंगे। आमतौर पर एक क्या नियोक्ता के द्वारा नियोजित एक स्वतंत्र ठेकेदार के द्वारा एक अपकृत के लिए उत्तरदायी होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एक्सेप्शंस वेयर द एम्प्लॉयर कैन बी मेड लाइबल फॉर द रॉन्ग ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट। वे कौन से अपवाद हैं जहां एक नियोक्ता को स्वतंत्र ठेकेदार की गलतियों के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, यदि नियोक्ता किसी अवैध कार्य करने के लिए अधिकृत करता है या
ऑप्शन नंबर बी द एम्प्लॉयर लाइबिलिटी अराइज फॉर द डेंजर्स कॉज ऑन द नियर द हाईवे, ये ऑप्शन नंबर सी ऑल ऑफ दी अबव, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपेंडेंट वॉज रनिंग ठीक है अ ड्राई क्लीनिंग सर्विस, ठीक है कि प्रतिवादी ड्राई क्लीनिंग सर्विस जो है वो चला रहा था, ठीक है, और ड्राई क्लीनिंग के लिए उन्हें सौंपा गया था एक फर कोट कंपनी के एक नौकर के द्वारा चुरा लिया गया। यहाँ पर प्रतिवादी उत्तरदायी होगा, क्या डिफेंडेंट उत्तरदायी होगा? यस नो मे नो मे बी और नन। ऑप्शन नंबर ए यस, क्योंकि क्योंकि उन्हीं के पोजीशन से चुराया गया ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल एन एम्प्लॉयर इज लाइबल फॉर एन एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इन केस ऑफ द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, यस नो मे बी और नन ऑफ दी। क्या कोई नियोक्ता सख्त दायित्व के मामले में एक स्वतंत्र ठेकेदार के कार्य के लिए उत्तरदायी होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए यस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कि एक मिल के मालिक ने अपनी मिल को पानी उपलब्ध करवाने के लिए अपनी जमीन पर जलाशय बनाने के लिए एक ठेकेदार को नियुक्त किया था। खुदाई करते समय ठेकेदार जमीन के नीचे कुछ उपयुक्त शाफ्ट को देखने में विफल रहा और इस प्रकार उन्हें अवरुद्ध नहीं किया गया। उस रात पानी कुछ शाफ्ट से टूट गया और ठीक है और पानी कुछ शाफ्टों से टूट गया और पड़ोसी के साथ ही साथ जो है वो उन्होंने खदान चलाई थी, एक माइंस एक्टिविटी वो चला रहे थे। ठीक है, तो वो खदान पूरी पानी में भर गई, पानी से भर गई। यहाँ पर क्या मालिक उत्तरदायी होगा? ऑप्शन नंबर ए यस, क्योंकि ये आपका डायरेक्ट केस के फैक्ट का इलुस्ट्रेशन बनाया है, कौन सा? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, राइलैंड एंड फ्लेचर वाइज। ठीक है, भले ही किसी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा काम किया गया है, आपने ही किया, लेकिन मालिक के रिस्क पर वो काम किया गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वहां पर उसकी लाइबिलिटी बनेगी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ एक वैकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। द प्रिंसिपल रूल मेकिंग अदर लाइबल फॉर रॉन्गफुल कंडक्ट ऑफ अदर इज कॉल्ड वॉलंटरी नॉटफिट इंजुरी या ज्वाइंट लाइबिलिटी, वैकेरियस लाइबिलिटी, प्लेंटिव द रॉन्ग डॉर। जल्दी से राइट आंसर बताना। दूसरे के गलत आचरण के लिए दूसरे को गलत उत्तरदायी बनाने का सिद्धांत नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए वॉलंटरी नॉटफिट इंजुरी, ऑप्शन बी ज्वाइंट लाइबिलिटी, ऑप्शन सी वैकेरियस लाइबिलिटी, ऑप्शन नंबर डी द प्लेंटिव द रॉन्ग डॉर। ऑप्शन नंबर सी वैकेरियस लाइबिलिटी, द प्रिंसिपल ऑफ रूल मेकिंग अनदर अदर लाइबल फॉर द रॉन्गफुल कंडक्ट ऑफ द अदर इज कॉल्ड। ठीक है, वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट का क्या मतलब होता है? इनडायरेक्ट लाइबिलिटी होती है स्टेट गवर्नमेंट की फॉर द रॉन्गफुल एक्ट जो कि कमिट किए जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के द्वारा। या ऑप्शन नंबर बी, हु डज एन एक्ट थ्रू द अनदर इज डीम्ड इन लॉ टू डू इट हिमसेल्फ। ऑप्शन नंबर सी, हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर इज नॉट डीम्ड इन लॉ टू डू हिमसेल्फ। ऑप्शन नंबर डी द प्लेंटिव रॉन्ग। जल्दी से राइट आंसर बताना। ऑप्शन नंबर ए इनडायरेक्ट लाइबिलिटी ऑफ स्टेट फॉर द रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अप्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना। लाइबिलिटी वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय इट्स एम्प्लॉइज इज बेस्ड ऑन इट्स टू टाइप ऑफ पावर, सॉवरेन पावर, नॉन सॉवरेन पावर, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव का क्या मतलब है कि ए एंड बी, ठीक है, बोथ ए एंड बी, क्या नन ऑफ द अबव। जल्दी से राइट आंसर बताना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट कैन स्यू द एंड स्यूड कैन स्यू और कैन बी स्यूड, किस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट को स्यू किया जा सकता और स्टेट भी खुद मुकदमा कर सकती है, हम भी स्टेट पर मुकदमा कर सकते हैं। राइट आंसर है इसका आर्टिकल नंबर 300। ठीक है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट पर हम लोग जो है वो केस फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भारत के राज्य सचिव को सरकार की सेवा में नौकरों की लापरवाही के होने के कारण क्षति के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? कैन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट
for India be held liable for the damages caused by negligence of the servant in the service of government? ठीक है, यस नो मे बी हार नन ऑफ द अबव, देन राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द केस जो कि लीक हुई थी, कौन से केस में, फेमस केस था एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको ये बताना है कौन सी गैस थी, मिथाइल थी, नाइट्रोजन थी, ऑलियम थी या हाइड्रोजन थी। राइट आंसर बताना, बहुत इजी आंसर है। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है द केस इन इंडिया दैट लेड डाउन द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कंसेप्ट जो है वो कौन से केस में आया था, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रेलेंट वर्सेस फ्लेचर, ठीक है, पॉइंटिंग वर्सेस निकॉट्स, निकेस या एन नत्तायन, ठीक है, नत्तायन, ठीक है, वर्सेस आपका त्रवण कौर। ठीक है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कि एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कंसेप्ट आया था, रेलेंट वर्सेस फ्लेचर के केस में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कंसेप्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, अभी अभी हमने डिस्कस किया, तो आपका रेलेंट वर्सेस फ्लेचर के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कि जहां वेयर अ पर्सन फॉर इट्स ओन बेनिफिट ब्रिंग ऑन हिज लैंड एंड कलेक्ट एंड कीप देयर एनीथिंग लाइकली टू डू मिसचीफ और इफ इट एस्केप। यहाँ पर बोला कि जहां कोई व्यक्ति अपने फायदे के लिए अपनी जमीन पर कब्जा करता है और इकट्ठा करता है और वहां रखता है, अगर वह बच जाता है तो शरारत करने की संभावना होगी, ठीक है, और इसे अपने जोखिम पर रखना होगा, यदि वह ऐसा नहीं करता है तो प्रथम दृष्टता सभी के लिए जवाबदेह है और वह क्षति जो उसे ठीक है, दिस रूल इज, क्या वो वाइकेरियस लाइबिलिटी का रूल है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का, या नॉन ऑब्वियस। ठीक है, जल्दी से राइट आंसर बताना। वेयर अ पर्सन ऑफ हिज ओन बेनिफिट ब्रिंग एंड ऑन हिज लैंड एंड कलेक्ट एंड कीप देयर एनीथिंग लाइकली टू डू मिसचीफ और इफ इट एस्केप मस्ट कीप इट एट द प्रिल। ठीक है, इफ ही डज नॉट डू द प्राइम ऑफ एस आई आंसरेबल फॉर ऑल डैमेजेस विच इज द नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज एंड इट्स एस्केप, द राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का एक्सेप्शन यहाँ पर बताना है। ठीक है, और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कंसेप्ट हमने पढ़ा था, कोई भी अपनी डेंजरस थिंग अपने प्रमाइस में रखी है, वो डेंजरस थिंग आपके प्रमाइस से बाहर चली गई, एस्केप हो गई, ठीक है, एस्केप हो गई, जिससे दूसरे पर्सन को कोई नुकसान हो गया, उसे हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कहते हैं, तो वहां पर उस पर्सन की स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बनेगी बनेगी। यहाँ पर एक्सेप्शन बतानी है आपको, कौन कौन से एक्सेप्शन है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के, एक्ट ऑफ गॉड, डिफॉल्ट ऑफ द प्लेंटिफ या कॉमन बेनिफिट, या ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, देन राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, प्लेंटिफ हॉर्स रीच ओवर द डिफेंडेंट बाउंड्री एंड निप्ड सम पॉइजनस ट्री एंड डाइट। वादी का घोड़ा प्रतिवादी की सीमा के पार पहुंच गया और कुछ जहरीले पेड़ों को खा गया और मर गया। यहां पर प्रतिवादी उत्तरदायी है, विल द डिफेंडेंट बी लाइबल, यस नो मे बी या नन ऑफ द अबव। ठीक है, जल्दी से राइट आंसर बताना, ऑप्शन नंबर बी नो, क्योंकि प्लेंटिफ का जो घोड़ा है वो डिफेंडेंट के बाउंड्री में चला गया, डिफेंडेंट पेड़ और उसमें जहरीले पेड़ की पत्तियों को खा लिया, पेड़ खुद तो उसके पास नहीं आया था, इसमें प्लेंटिफ की खुद की गलती है, तो यहाँ पर डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्लेंटिफ हैड एग्रीड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम। ठीक है, यहाँ पर बोला कि ये बादी बांध के निर्माण के लिए सहमत हो गया और एक और क्या वह बाद में पलट सकता है, तो और वो बाद में पलट सकता है या शिकायत कर सकता है बादी की उपस्थिति में से उसकी संपत्ति का नुकसान पहुंचा, गेस नो मे बी नन ऑफ दबव। ठीक है, जल्दी से राइट आंसर पाना है, राइट आंसर इसका नो। ठीक है, तो प्लेंटिफ हैड एग्री टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम, कैन ही लेटर ऑन टर्न अराउंड द कंप्लेन, देन द प्रेजेंस ऑफ द डैम हैज सोर्स ऑफ इंजरी अप टू द हिज प्लेंटिफ देन हिज प्रॉपर्टी, देन राइट आंसर इज नो। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ एन ऑक्यूपायर ऑफ लैंड। ऑप्शन नंबर ए है ऑब्लिगेशन टुवर्ड लॉ
लॉफुल विजिटर, ऑप्शन बी है लॉफुल ऑब्लिगेशन टुवर्ड ट्रेस्पासर, ऑप्शन नंबर सी है ऑब्लिगेशन टुवर्ड अ चिल्ड्रन, या ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। 90 क्वेश्चन का जनरल रूल इज दैट एन ऑक्यूपायर हैज नॉट लाइबल इन द टॉट टू द ट्रेस पासर एंड व्हाट आर द एक्सेप्शन टू हिज रूल। सामान्य नियम कि कोई कब्जा करता किसी अतिचारी को अपकृत देने के लिए उत्तरदायी नहीं है इस नियम, या इस नियम के क्या अपवाद है। जल्दी से राइट आंसर बताना। ऑप्शन नंबर ए द ऑक्यूपायर मस्ट डेलिबरेटली कॉज हार्म टू द ट्रेस्पासर, ऑप्शन नंबर बी ही मस्ट नॉट एक्ट विद द रेकलेस डिसएग्री सॉरी डिसरिगार्ड टू द ट्रेस्पासर सेफ्टी एंड इफ ही हैज नॉलेज टू द ऑफ हिज प्रेजेंस इन द प्रीमाइसेस और लैंड। देन राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। ऑक्यूपायर मस्ट टेक रीजनेबल केयर टू द इंश्योर द सेफ्टी ऑफ इट्स विजिटर एंड इफ द ऑक्यूपायर नो, ऑक्यूपायर यहाँ पर जानता है कि द विजिटर एंड विजिटर आर चिल्ड्रन, जो विजिटर है वो बच्चे, नीड टू बी मोर केयरफुल, ठीक है उनको ज्यादा केयरफुल की जरूरत है एज अ चिल्ड्रन आर जनरली लेस केयरफुल Then adults are true, false, maybe none of them. जल्दी से राइट आंसर बताना। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। The word nuisance has been derived from the French word, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है न्यूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। डैश इज एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल, वह कौन सी गतिविधि है जहां पर विच द कॉन्टिन्यूस और रिकरेंट नेचर एंड अनड्यूली इंटरफेयर विद द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड ऑफ हिज नेबर, ठीक है वह अपने पड़ोसी की भूमि के उपयोग या आनंद में अनुचित हस्तक्षेप कर सकता है, असॉल्ट न्यूसेंस या ठीक है या नेग्लिजेंस। जल्दी से राइट आंसर बताना। ऑप्शन नंबर बी न्यूसेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। What are the kind of nuisance? कौन कौन से kind है nuisance के? Public nuisance, private nuisance, all of the above, none of the above. जल्दी से right answer बता। All of the above का मतलब आप यही मान के चलना A and B, ठीक है? A और B, ठीक है? दोनों, both. Right answer इसका option number C, public and private both, ठीक है? Essential क्या है private nuisance की? There must be interference with the use of enjoyment of land or some right over it, या option number B, the right, the plaintiff must show a little to the thing to which the nuisance is alleged to be caused, या option number C, an act complained of must result in damage to the plaintiff, या option number D, all of the above। जल्दी से right answer बताएं कि जिस कार्य के लिए शिकायत करी गई है उसके परिणाम स्वरूप बाधित को क्षति जो है वो होनी चाहिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट थ्योरी नेग्लिजेंस इज अ टाइप ऑफ कंडक्ट स्टेट ऑफ माइंड डैमेज या नन ऑफ द। जल्दी से राइट आंसर बताना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कंडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। डैश फेलियर टू डू विद अ रीजनेबल एंड प्रूडेंट वर्जन पर्सन वुड ऑर्डिनरी हैव डन अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द सिचुएशन, असॉल्ट न्यूसेंस, ठीक है मेहम या नेग्लिजेंस। जल्दी से राइट आंसर बताएं कि वह करने में विफलता और जो उचित और विवेकपूर्ण व्यक्ति आमतौर पर परिस्थिति में करता, तो ऑप्शन नंबर डी नेग्लिजेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। व्हाट आर द स्पेसिफिक डिफेंस ऑन वन क्लेम वन कैन क्लेम अगेंस्ट नेग्लिजेंस, ठीक है।
लापरवाही के विरुद्ध कौन से विशिष्ट बचाव का दावा जो है वो किया जा सकता है? कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, या ऑप्शन नंबर सी? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. ठीक है, तो व्हाट आर द स्पेसिफिक डिफेंसेस वन कैन क्लेम अगेंस्ट द नेग्लिजेंस? ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अगेंस्ट अनदर विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन इज. इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अगेंस्ट अनदर विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन इज असॉल्ट, बैटरी, या फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, या ऑप्शन नंबर सी महर. ठीक है, जल्दी से राइट आंसर बताना. इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ना राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, बैटरी. रेस इप्सा लिक्विडेटर में प्लेंटिफ द रॉन्ग डोर. ऑप्शन नंबर बी थिंक स्पीक फॉर इटसेल्फ. ऑप्शन नंबर सी वॉलंटरी एक्सेप्टेंस ऑफ इंजरी, या ऑप्शन नंबर डी नॉलेज ऑफ इंजरी. जल्दी से राइट आंसर बताना. रेस इप्सा लिक्विडेटर में वादी अपराधी है, चीज अपने लिए बोलती है, या चोट की स्वैच्छिक स्वीकृति है. ऑप्शन नंबर डी नॉलेज ऑफ इंजरी. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी थिंक इट्स थिंक स्पीक फॉर इटसेल्फ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, इफ अ पर्सन इंजर्ड द रेपुटेशन ऑफ अनदर पर्सन ही कमिट अ सिविल रॉन्ग नॉन एस. ठीक है, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है तो वह नागरिक अपराध करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डेफामेशन कहते हैं, असॉल्ट कहते हैं, न्यूसेंस कहते हैं, या नन ऑफ दी अबव. ठीक है, जल्दी से राइट आंसर, मानहानि, हमला, उपद्रव, या नन में से कोई नहीं. कि इफ अ पर्सन इंजर्स द रेपुटेशन ऑफ अनदर पर्सन ही कमिट अ सिविल रॉन्ग नॉन एज अ ऑप्शन नंबर ए डेफामेशन. इन सिविल लॉ ओनली डैश हैज बीन रिकॉग्नाइज एन ऑफेंस, लेवल, सिलेंडर, या मेहम, या ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी. तो ऑप्शन नंबर ए, ये नहीं, यहाँ पर बोथ होगा. ठीक है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में दोनों ही आपके रिकॉग्नाइज किए जाते हैं ऑफेंस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, एसेंशियल्स ऑफ डेफामेशन आर, डेफामेशन मस्ट बी डेफामेटरी होनी चाहिए, द स्टेटमेंट रेफर करती हो प्लेंटिव को, और स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश होनी चाहिए. देन ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से राइट आंसर बताना, या ऑल ऑफ दी. राइट आंसर है इसका, बहुत इजी है. तो डेफामेशन के लिए स्टेटमेंट जो है वो डेफामेटरी होनी चाहिए, स्टेटमेंट रेफर करती हो प्लेंटिव को, और पब्लिश जरूर होनी चाहिए, चार लोगों को पता लगना चाहिए. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एनी स्टेटमेंट ऑन द फेस ऑफ इट सीम्स टू बी इनोसेंट बट द सेकेंडरी मीनिंग आर डिस्क्लोज ऑफ सम ट्रूथ इट सीम टू बी डेफामेटरी, इट इज अ स्टेटमेंट, सिलेंडर, या इन्यूडो, या आपका ऑल ऑफ दी. यदि कोई कथन प्रथम दृष्टया निर्दोष लगता है लेकिन उसका गौण अर्थ और उसकी सच्चाई का खुलासा मान हानिकारक प्रतीत होता है, तो ये क्या है? स्टेटमेंट है, सिलेंडर है, या इन्यूंडो है, एक संकेत है, ऑल ऑफ द ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, डिफेंस ऑफ डेफामेशन आर ट्रुथ, फेयर कमेंट, प्रिविलेज्ड, या प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन, या ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ यू. जल्दी से राइट आंसर बताएंगे. डिफेंस ऑफ डेफामेशन आर मानहानि के बचाव, सत्य, निष्पक्ष टिप्पणी, या विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी, ऑल ऑफ यू. जल्दी से राइट आंसर बताएंगे. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑल ऑफ यू. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, डायरेक्ट एंड रॉन्गफुल इंटरफेरेंस मस्ट डायरेक्ट एंड रॉन्गफुल इंटरफेरेंस विद द प्लेंटिफ पोजिशन ऑफ गुड्स इज नॉन एज डेफामेशन, ट्रेसपास टू पर्सन, ट्रेसपास ऑफ गुड्स, नॉन ऑफ यू. बादी के माल के कब्जे को सीधा या गलत हस्तक्षेप करना. ठीक है, डायरेक्ट या रॉन्गफुल इंटरफेरेंस करना विद द प्लेंटिफ पोजिशन ऑफ गुड्स इज नॉन एज. ऑप्शन नंबर सी, ट्रेसपास ऑफ टू गुड्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, अ पर्सन हु ट्रीट्स गुड्स और इफ दे वर हिज और वेन दे आर नॉट इज लाइबल फॉर. एक व्यक्ति जो वस्तुओं के साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वो उसकी हो, ठीक है, जबकि वे उसकी नहीं है, तो वो लाइबल है. एक्सट्रॉशन के लिए, थेफ्ट के लिए, कन्वर्जन के लिए, या नन ऑफ दिवर. राइट आंसर बताना. राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कन्वर्जन. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे. अ रॉन्ग दैट अफेक्ट द पर्सनल सेफ्टी एंड द फ्रीडम इज ऑफन टर्म एज ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी. ऑप्शन नंबर बी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर सी ट्रेसपास टू पर्सन, या ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ पीपल. जल्दी से राइट आंसर बताएं. व्यक्तिगत सुरक्षा और स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली गलती को अक्सर गलत कहा जाता है. ऑप्शन नंबर सी ट्रेसपास टू पर्सन. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ ट्रेसपास टू पर्सन, असॉल्ट, बैटरी, मेहम, या ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्ट बाय द डिफेंडेंट दैट कॉजेस द क्लेमेंट रीजनेबल एप्रिहेंशन और इन्फ्लिक्शन ऑफ इंटेंशनल एंड डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन हिम इज. प्रतिवादी द्वारा किया गया कोई कार्य जिससे दावेदार को उस पर जानबूझकर या सीधे बल प्रयोग करने की उचित आशंका हो, वह है असॉल्ट, बैटरी, मेहम, या फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. जल्दी से राइट आंसर बताना. राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए असॉल्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अगेंस्ट अनदर विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन इज. ऑप्शन नंबर ए असॉल्ट, बैटरी, या फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. जल्दी में. हाँ ठीक है. राइट आंसर है इसका इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अगेंस्ट अनदर विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन इज. ऑप्शन नंबर बी बैटरी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे रॉन्गफुल रिस्ट्रेन ऑफ मैन्स लाइबिलिटी विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन इज नॉन एज. ठीक है. रॉन्गफुल रिस्ट्रेन ऑफ मैन्स लिबर्टी. ठीक है. कि कानूनी औचित्य के बिना किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत अवरोधन करना कहा जाता है. ऑप्शन नंबर डी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. ठीक है. और इम्प्रिजनमेंट कैसा होना चाहिए, टोटल होना चाहिए. द रेमेडी अगेंस्ट फॉल्स इम्प्रिजनमेंट आर सेल्फ हेल्प, हैबियस कॉर्पस, एक्शन फॉर डैमेजेस, या ऑल ऑफ दी अबव. जल्दी से राइट आंसर बताएं. रेमेडीज अगेंस्ट फॉल्स इम्प्रिजनमेंट आर सेल्फ हेल्प, हैबियस कॉर्पस, एक्शन फॉर डैमेजेस, या ऑल ऑफ द अबव. झूठे कारावास के विरुद्ध उपाय हैं एक स्वयं सहायता, बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्षति के लिए कार्रवाई. ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव. और इसी के साथ हमारे 112-13 तक क्वेश्चन जो है वो हो चुके हैं. और इसमें हमारे काफी कुछ इजी क्वेश्चन भी थे. ठीक है. थोड़ी स्टेटमेंट वाइज थे, एग्जाम्पल बेस्ड थे. और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो जाइएगा. इस ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. जल्दी से लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे. थैंक यू सो मच. डू लाइक एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन. थैंक यू.